नमस्कार साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, जिसमें बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, इस तरह के तमाम स्टेट अपने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम करवाते हैं, या फिर आप लोग वनडे एग्ज़ाम देख लीजिए, तमाम एग्ज़ाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स से काफ़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के देखे होंगे तो आप भी इस बात को जानते होंगे। तो और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मार्च महीने में जो भी घटनाएँ घटी थी उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर विस्तार से बात की हुई थी। और आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज अप्रैल महीने में जो आपके देश की हो, फिर चाहे आपके राज्य की हो, फिर दुनिया की हो, कहीं की भी कोई भी घटना हो जिससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हो, उनके बारे में हम लोग उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग पुरानी क्लासें देखना चाहते हैं तो मंथली करेंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, उसमें आपको 2021 का भी करेंट अफेयर्स मिल जाएगा, 2022 के भी, जितने महीने अभी तक आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सभी की वहाँ भी आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी। चलिए अप्रैल महीने की कौन सी घटना है उससे पहला क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, बताइए। तो आप सभी को मालूम होगा कि कब मनाते हैं, उड़ीसा का मनाते हैं। किसका मनाते हैं? उड़ीसा का मनाते हैं 1 अप्रैल को। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के अगर आप लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं आपकी। और उड़ीसा से लगे हुए अगर राज्य देखें तो आप देखें पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है और आंध्र प्रदेश से भी लगती है। और दूसरी तरफ आप देखें बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। मैं इसलिए इसे सब आंकड़े बता देता हूं क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है या हमारे कौन कौन से राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहीं आप लोग कहें तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, केरल के बारे में भी जान लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि केरल, पता है आपको, कोई भी आपका आंकड़े आते हैं चाहे स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, केरल आपका टॉप रहता है हमेशा। और केरल की स्थापना राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं और तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल से लगे हुए राज्य देखेंगे तो तमिलनाडु और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र भी यहाँ आया हुआ है, और तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहाँ के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और महाराष्ट्र से लगे हुए राज्य देखें तो गुजरात हो गया, भोपाल, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में चुनाव भी हुए थे यहाँ, तो यहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं। और पंजाब की बात करें तो 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको मालूम होगी कि पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पंजाब से इसकी सीमा लगती है। और 1947 तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। राज्यों में देखें तो राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर हो, से सीमा लगती है आपकी पंजाब की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आरबीआई की बात हो रही है और आपका केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल, 31 मार्च, 2 अप्रैल, 30 मार्च।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई में। तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं, कौन व्यक्ति भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं, डॉक्टर के नागर, डॉक्टर पी सिन्हा और डॉक्टर एस राजू और डॉक्टर टी वरुण। तो याद रखिए डॉक्टर एस राजू इसके क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं। अगर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो आप देखेंगे 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे कि वेस्ट बंगाल की यहाँ बात हुई है तो वेस्ट बंगाल के बारे में बता दीजिए, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था और विधानसभा में यहाँ 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल से लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और असम हो गया, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोग देखें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। सभी राज्यों का मुझे लगता है कि भारत का मैप आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति NABH के नए अध्यक्ष बने हैं, बताइए इसमें क्या बोल रहा है, राजेंद्र सिंह, महेश वर्मा, अशोक कुमार, तेजपाल ठाकुर। तो याद रखिए महेश वर्मा बने हैं, क्या बने हैं, महेश वर्मा। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो ये भी याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं आप लोग, इसे हिंदी में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे दिल्ली मेट्रो रेल रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसमें आप देखेंगे विकास कुमार, भूपेश चौधरी, कमलेश जाखड़, ताराचंद रॉय। तो बताइए दिल्ली की बारी बात बता दीजिए, तो याद रखिए विकास कुमार, कौन, विकास कुमार। और वैसे दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे, आम आदमी पार्टी इनकी राजनीतिक पार्टी है, यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, किस क्रिकेट टीम ने, बताइए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। तो याद रखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया आप लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। और आपको बता दूं कि आईसीसी की बात करें तो आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला है, आईसीसी वुमेन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, कार्लोस अल्कराज, कैमरॉन नॉरी, कैस्पर रूड, डेनिस सापोवालो। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्लोस अल्कराज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है, तो आप देखेंगे इसमें किसने जीता है, जैक एंटोनॉफ, एंजेलिक किडजो, अरुज आफताब, ओलिविया रोड्रिगो। तो याद रखिए ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कौन व्यक्ति भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं, कौन व्यक्ति भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं,
जयेश कुमार शर्मा, विनय मोहन मोहन क्वात्रा, प्रवीण सिंह जांगर, आलोक सिंह रावत। तो आप सभी जानते हैं कि विनय मोहन क्वात्रा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विक्टर ऑर्बान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड, अजरबैजान और हंगरी, ब्राजील। तो ये हंगरी के बने हैं। कहाँ के बने हैं? हंगरी के बने हैं। और आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, यूरोप में देखने को मिलेगा ये। किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? किसे 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? वेणुगोपाल वर्मा, आशीष चंद्रकर, राम दशरथ मिश्र, प्रकाश देवदत्त। तो याद रखिए राम दशरथ मिश्र, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। वरिष्ठ कवि और लेखक हैं ये, और 2021 का सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया, और यह सम्मान उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया है। और याद रखिए कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा के लिए दिया जाता है, इस बार यह हिंदी की पुस्तक के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान के बारे में भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप देखिए 1991 से दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। हरिवंश राय को 1991 में दिया गया था, पता है, आत्मकथा के लिए हिंदी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही बताना है। आप लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? उसी की एक तरह से स्थापना के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं। और आप देखेंगे कि क्या WHO सुने हो या नहीं सुने हो, आप देखते हैं कि इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि 7 अप्रैल को दुनिया भर में उनके के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस साल की थीम रखी गई है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस की बात हो रही है, ये आप देखेंगे 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, बताइए। तो याद रखिए 10 अप्रैल को मनाते हैं आप लोग। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप देखें कि 10 अप्रैल को दुनिया भर में इसे मनाते हैं, और होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य मनाते हैं। इस दिवस को होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का 2020 रेस जीती है? इसमें ऑरलैंडो नॉरिस, डेनियल रिकियार्डो, चार्ल्स लेकर्क, जॉर्ज रसेल। तो याद रखिए चार्ल्स लेकर्क, लेकर्क, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर और रविचंदन अश्विन। तो याद रखिए रविचंदन अश्विन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आईपीएल चल रहे हैं आप सभी जानते हैं। शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और मुझे लगता है कि देखिए पहले पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान इसमें आप लोग लगाएंगे। पहले यहाँ के इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। आप देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है, और 1947 तक आप देखिए हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ शहबाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहाँ का क्या मामला है, देखिए सेना से अगर आप लोग हाजू हाजू करते रहेंगे और सेना की हर बात मानते रहेंगे तो आप पद पर बने रहेंगे। सेना के हस्तक्षेप के बाद ही इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उसी की हस्तक्षेप के कारण इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए एंड सेना यहाँ की कहती हो कि हमारा डायरेक्ट यहाँ की राजनीति में कोई लेना देना नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी सेना का हस्तक्षेप रहता है।
जैसे हमारे देश की सेना का कर्तव्य है कि सीमा सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा करना, हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन यहाँ की सेना का कुछ और ही काम रहता है। यहाँ की सेनाएं अपना फैक्ट्री भी चलवाती हैं, बिजनेस करती हैं, आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जनरल नॉलेज के लिए आपसे कोई भी पूछ लेता है। आप जब कहते हैं कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि यूपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष का नाम आप बताइए। क्या बताइए? अध्यक्ष का नाम आप बताइए। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, यूपीएससी की बात करें, डॉक्टर मनोज जोशी सोनी, डॉक्टर निर्मल राठौड़, डॉक्टर शुभम साहू और डॉक्टर महेश दत्ता। तो आपको बता दूं कि देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी होंगे, मनोज सोनी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हो गई थी, इस आयोग की। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, आप सभी जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो जानते रहिए, जानते रहिए कि नहीं जानते रहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़े होंगे, आर्टिकल, तो आप देखेंगे कि 315 संघ और भारत की राज्य क्षेत्रों हेतु लोक सेवा आयोगों यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपी स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 317 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने की बात करता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन की बात करता है। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय की बात करता है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट की बात करता है। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी, जरूर याद रखिएगा। चलिए, एक आर्टिकल 312 और याद रखिए, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दिया गया है, जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। और 14 संविधान का भाग 14 आप लोग देखते हैं ना, इसी में आपको संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है भाग 14। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 से के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? केएल राहुल, बाबर आजम, डेविड वार्नर और वनेंदु हसरंगा। बताइए कुछ। ये आप देखेंगे, बाबर आजम ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। बताइए, आप लोगों का क्रिकेट में दिलचस्पी होगी तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। क्या जानते होंगे? बेहतर मुझे लगता है जानते होंगे। और तो बाबर आजम को, किसे? बाबर आजम को। इसमें बी ऑप्शन क्या लगाओगे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी साहब को मिला है, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। लता मंगेशकर को आप लोग सभी जानते होंगे, और हमारे देश की एक क्या रही हैं, सिंगर रही हैं, और इनका 28 सितंबर 1929 में इंदौर में जन्म हुआ था, 6 फरवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल। क्या? हर साल भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछे कि 13 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 11 अप्रैल को। तो याद रखिए, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप देखेंगे कि
इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती या नई माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और 2003 में राइट रिवन अलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? बताइए। ए आपसे पूछे न्यूजीलैंड, ब्राजील, इक्वाडोर और आपका है केन्या। तो याद रखिए इक्वाडोर, क्योंकि आप सभी जो देखिए जितनी हमारी जान प्यारी हमें है उतनी जानवरों को भी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या हाल है जानवरों को, बेचारों को ये सोचते हैं। और आप देखिए पृथ्वी पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका अधिकार है, और देखिए हम लोग प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो याद रखिए ये भी। और इसकी राजधानी की बात करें तो क्वेटो इसकी राजधानी है इक्वाडोर की। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को। आपको एक और बात बता देता हूँ, देखिए जो संविधान का पिता भी कहते हैं ना, कि नहीं, भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का पिता कहते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पहले कौन थे, होम क्या थे, कानून मंत्री थे। और कानून मंत्री इसलिए थे क्योंकि आप देखिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति उन्हीं को माना जाता है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था, 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसका 14 अप्रैल आप लोग लगाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल लगाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने ईवाई आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? नीता अंबानी, रितेश चौप अरोड़ा, आदित्य मिश्रा, फाल्गुनी नायर। तो याद रखिए फाल्गुनी नायर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। किस देश को वर्ष 2023 के स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो किसने मिली है? भारत को मिली है। किसे मिली है? भारत को मिली है। और आप देखेंगे कुछ एक तरह से इसे दिया गया है। और याद रखिए इसमें मिश्रित लिंग वाली टूर्नामेंट में 16 देशों की स्ट्रीट चिल्ड्रेन की 12वीं टीम 12-22 टीमें भाग लेंगी। यह स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कला विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस की बात हो रही है, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। तो याद रखिए 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाते हैं, और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि कला को बढ़ावा दिया जा सके, लोग इसके प्रति जागरूक हों। और क्या रहता है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं इस दिन लोग, और इस अवसर पर यूनेस्को द्वारा कार्यशालाओं, वाद विवादों, कार्यक्रम और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए लोगों से अपील भी की जाती है। तो इसमें आप लोग 15 अप्रैल लगाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा? 75वां स्थापना दिवस मनाया है। इसमें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और वैसे आप देखें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी शिमला राजधानी है, समर राजधानी है और धर्मशाला विंटर राजधानी है। विधानसभा में 68 सीटें हैं यहाँ, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चाहे इन राज्य के बारे में भी बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल के बारे में बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए आप लोग। वैसे ये काम आप लोगों का है और मुझे लगता है कि अगर आप लोग पढ़ लेंगे 1 से 2 बार तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और आपको बता दूं कि 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना कहता रहता है कि उसका हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1952 में राज्य बनाया गया। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं,
राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। वित्तीय वर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? वित्तीय वर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो इस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही कि लोगों को उनकी आवाज के, माफ करिए, अनाज नहीं, आवाज दिवस है, वॉइस डे, उनकी आवाज के प्रति जागरूकता जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1999 में इस दिन की शुरुआत ब्राजील नेशनल वॉइस डे के रूप में हुई थी, जैसे अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसे देशों में भी मनाया जा रहा था। इसके बाद 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट हेड एंड नेक सर्जरी ने इसे विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी 16 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने किस तारीख को वित्तीय वर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य की बात हो रही है, इसमें आपका है 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, या फिर आपका 11 अप्रैल या 17 अप्रैल। तो याद रखिए 14 अप्रैल को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की बात करें तो एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते भी होंगे, नाम समय समय पर सुनते रहते होंगे। चेन्नई इसकी राजधानी है। विधानसभा में यहाँ 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। कितनी? 39 सीटें हैं। इति वर्ष विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल को। हीमोफिलिया दिवस की बात हो रही है तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है और पूरे दुनिया भर में इसे मनाते हैं। और क्योंकि यह बीमारी आप सभी जानते हैं, हीमोफीलिया के इस रोग से जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये बीमारी खून से जुड़ी हुई है, जो जेनेटिक होती है। जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो ये समस्या होती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर खास ध्यान देने की बात होती है। क्या होती है? खास बात होती है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी थीम देखिए, 2021 की थीम क्या रखी गई थी? 2021 की थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज, ठीक है। और 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 की थीम रखी गई है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, ठीक है। इस तरह से इसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस की बात हो रही है, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 16 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो याद रखिए आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन को दुनिया भर की पुरानी स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास माना जाता है। और धरोहर, विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थलों के महत्व को समझने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो ये आप देखेंगे कि कौन है, नागपुर है। क्या है? नागपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागपुर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए? जे लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, सुरेश झा, टी के शर्मा, मनोज पांडे। तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? गीतकार थे, गणितज्ञ थे, पत्रकार थे, चित्रकार थे। तो याद रखिए प्रफुल्ल कर गीतकार थे, क्या कि गीतकार थे। और 16 फरवरी 1939 में इनका जन्म हुआ था, 17 अप्रैल और 2022 में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रति वर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल। लीवर डे की बात हो रही है, वर्ल्ड लीवर डे। तो याद रखिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है दुनिया भर में। और इसे हमारे शरीर में, आप सभी जानते हैं, लीवर हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए लीवर काफ़ी मदद भी करता है।
इसलिए लीवर खास हो जाता है। तो ये लीवर दिवस के बारे में भी याद रखिएगा, याद रखिएगा लीवर दिवस के भी याद रखिएगा। 19 कब मनाते हैं? ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है लीवर। डायबिटीज आप सभी जानते हैं, इससे भी नुकसान होता है लीवर को। और इस बार की थीम रखी गई 2022 की, देखिए दो हजार इक्कीस की ही थीम एक तरह से इसकी रखी गई है, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। और अभी तक इसकी अपडेट नहीं हुई वेबसाइट पर, जब भी अपडेट होगी तो पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लीजिएगा जरूर। कोई व्यक्ति भारतीय दलहन अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन व्यक्ति बने हैं? ये आप देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है नवीन चतुर्वेदी, विमल कोठारी, राजेश चौधरी, सुरेंद्र सिन्हा। तो ये आप देखेंगे कौन बने हैं, विमल कोठारी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, राजस्थान। तो याद रखिए राजस्थान बना है, क्या बना है? राजस्थान बना है। और राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए भारत में नए कंट्री हेड बने हैं? मनीष चावला, अशोक चंदेल, सत्य ईश्वरन, यूनुस यूनुस मोहम्मद। विप्रो की बात हो रही है तो याद रखिए सत्य ईश्वरन इसके नए हेड बने हैं यहाँ के। विप्रो की बात करें तो आपको मालूम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और 29 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने से संबंधित खिलाड़ी कायरन पोलार्ड को ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो याद रखिए वेस्ट इंडीज के थे, कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज के थे। और वेस्ट इंडीज भी अच्छी खिला टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी जानते भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवक दिवस की बात हो रही है तो ये आप देखेंगे 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो याद रखिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। और यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति मिली है? ए ऑप्शन इसमें क्या करें, जसलीन कोहली, नवीन झुनझुनवाला, राम सिंह बाजिया, विनीता चट्टोपाध्याय। तो याद रखिए जसलीन कोहली होंगे इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। डिजिटल इंश्योरेंस की बात हो रही है, चलिए खैर चलिए। और आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में ओआईएल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम, उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर। तो याद रखिए असम में किया गया है, किसमें? असम में किया गया है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ओआईएल, ऑयल इंडिया की बात हो रही है, पेट्रोलियम कंपनी है। और 18 फरवरी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं असम राज्य की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। क्या है इसकी राजधानी? दिसपुर इसकी राधानी है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा सरमा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन व्यक्ति दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? दिल्ली के मुख्य सचिव की बात हो रही है,
विजय विजय माली, नरेश कुमार, रविंद्र दत्ता, अशोक त्रिपाठी। तो नरेश कुमार, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस की बात हो रही है, कब मनाते हैं इसे? इसे आपका 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो याद रखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके इतिहास के बारे में, पहली बार कब मनाया गया था और क्यों मनाया जाता है। एक तो पृथ्वी के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए हमारा। और 2022 की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। इस थीम का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के लिए निवेश करें और इस थीम के जरिए पृथ्वी को बचाने के नए तरीके खोजें, उसे लागू करें। साल 2021 की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ थी। और आप देखेंगे 100 वर्ल्ड अर्थ डे दुनिया के 192 देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड अर्थ डे साल 1970 में मनाना शुरू शुरू हुआ था। साल 1960 के दशक में दुनिया भर में विकास के कार्य के नाम पर अंधाधुंध जंगल कटाई की जा रही थी। और आप देखेंगे तो 1970 में पहली बार ये मनाया गया था। वैसे मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे कारण यही है कि लोग पर्यावरण के महत्व को समझें, धरती को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। और आप देखते हैं कि आप लोग पार्टी पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जिस दिन आपका जन्मदिन था, उस दिन आप लोग जन्मदिन के खुशी के माहौल में है, आपके यहाँ कोई खुशी का और माहौल है, तो पेड़ लगा सकते हैं आप लोग। देखिए आप लोग, और पेड़ लगाना ही नहीं है, उसे याद भी रखना है उसे, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बिमल चतुर्वेदी, अविचल राव, अजय सूद, राजेंद्र गौतम। तो अजय सूद, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस की बात हो रही है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहते हैं इसे। 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो याद रखिए 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब तो मनाते हैं? 24 को कि 23 को? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 24। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखकों ने जन्म लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, जैसे विलियम शेक्सपियर, मैगुअल डे सर्वेंट्स, जोसेफ पिलाया, 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी। वहीं मैनुअल मेजिया बलेलेजो और मॉरिस ड्रोन का 23 अप्रैल को जन्म हुआ था। चलिए आप लोग याद रखिए 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे या विश्व पुस्तक दिवस भी मनाते हैं। कौन व्यक्ति नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? चंचल ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा, सुमन बेरी। और देखिए एक बात, और नीति आयोग आप सभी को मालूम होगा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था, 1 जनवरी 2015 को आया हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो कौन है इसके? सुमन बेरी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल या 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल। याद रखिए आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है। मच्छर से होता है गंदगी, साफ रखा करिएगा। और 25 अप्रैल को मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य मनाया जाता है। और पहली बार ये विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 में मनाया गया था। इस साल की थीम रखी गई है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूज द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स रखी गई है, ठीक है। साफ सफाई अपने आसपास रखा करिएगा, उसी से फैलता है। कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? ये आप देखेंगे कोटा राजस्थान, जामताड़ा झारखंड, सीकर राजस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए जामताड़ा झारखंड। और झारखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए तो आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ रांची इसकी राजधानी है।
और बिहार से अलग करके बनाया गया था इसे 15 नवंबर सन 2000 में। राज्य यहाँ विधानसभा में 82 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस भाषा की मशहूर लेखिका वीणा फानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई? उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। तो याद रखिए उड़िया, वीणा पानी मोहंती का उड़िया से संबंधित थी। और 11 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ था, 24 अप्रैल 2022 में इनकी डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई केवाकी का 90 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? एक केन्या, इक्वाडोर, तंजानिया, उज्बेकिस्तान। तो याद रखिए केन्या के राष्ट्रपति थे, कहाँ के? केन्या के राष्ट्रपति थे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी राजधानी नैरोबी है। क्या है? नैरोबी है। अफी पूर्वी अफ्रीका देश में एक देखने को मिलेगा, कीनिया आपका देश है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जारी वर्ष 2021 की सीफरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कौन को सैन्य खर्चे के मामले में कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो याद रखिए इसमें तीसरा मिला है, मैं तीसरे नंबर पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और नई रिपोर्ट में भारत का सैन्य खर्च 76.6 अरब डॉलर रहा है, जो वर्ष 2020 की तुलना में 0.9% ज़्यादा है। हालांकि पिछले साल भी भारत तीसरे नंबर पर ही था। और सीपरी की बात करें तो देखिए इसका इसकी स्थापना 6 मई 1966 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? बताइए, नीरज चोपड़ा, राफेल नडाल, मैक्स वेरस्टापेन, एंडी मुरे। तो याद रखिए मैक्स वेरस्टापेन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। कौन व्यक्ति हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, एफ के रहमान, एपी अब्दुल्ला कुट्टी, आदिल मल नस, आरिफ मोहम्मद। तो याद रखिए इसमें एपी अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ बनी है? ज्योति खत्रा, रश्मि चौहान, विशाखा मूले, अनीता देसाई। तो विशाखा मूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा गांव, कौन गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? पहली ये है पल्ली जम्मू कश्मीर की, और आप सभी जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर दो का एक तरह से लद्दाख वाला हिस्सा भी जम्मू कश्मीर का था, 370 हटा दी गई, विशेष राज्य का दर्जा भी हटा दिया गया, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसकी जम्मू कश्मीर, जम्मू इसका पुनर्गठन 2019 में हुआ था, बताया आपको, तो ये याद रखिएगा। एक तरह से लद्दाख भी आपका अलग ही बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, बट दिल्ली में आप देखिए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तर्ज पर आपकी विधानसभा भी होगी। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलवेरा बेस्टो का 81 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है? तो ये हॉकी से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? हॉकी से जुड़ी हुई थी। कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है? चेन्नई, मुंबई, आगरा, पटना। तो याद रखिए आगरा बना है, ये उत्तर प्रदेश का शहर है, और ताजमहल देखने गए हैं आप लोग, उसी की बात हो रही है, यही है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रंगवेल रिबाई का 88 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है? ये कहाँ के थे? मेघालय के थे, या सिक्किम, असम, मणिपुर। तो याद रखिए मेघालय के थे, और पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा मेघालय। और यहाँ अगर आप लोग जानना चाहें तो मेघालय की राजधानी भी जान लीजिए, शिलांग इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी है? स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, विस्तारा, इंडिगो। तो याद रखिए इंडिगो बनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्या है? इंडिगो। इंडिगो की स्थापना की बात करें 2014
छः में हुई थी, एयरलाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पितृवत विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो याद रखिए 30 अप्रैल को आपका विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इंसानों के लिए अगर स्वास्थ्य की देखभाल करनी है तो आप देखिए पशुओं के लिए भी होना चाहिए। 30 अप्रैल को पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस साल की थीम रखी गई है पशु चिकित्सा को मजबूत करना, थीम है इसका विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, क्या थे? लेखक थे, अभिनेता थे, चित्रकार थे या पत्रकार थे? तो याद रखिए अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई है? लेफ्टिनेंट जनरल एपी सिंह, और फिर हैं आपके एम के जाखड़, बी एस रंजू, AKK सलूजा। तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू राजू। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अप्रैल महीने की जो भी घटनाएं थी उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम लोगों ने विस्तार से बात कर ली है। आप लोग एंजॉय करिए, अगर आपके सवाल हो तो आप लोग बताइएगा, और अगले महीने की हम लोग फिर से बात करेंगे। पूरे महीने में जो भी घटनाएं घटेंगी उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, एंजॉय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए।